गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो अभी तक आपको जितना भी चीजें मैंने पढ़ाई होंगी वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। मैं यही आशा करता हूँ कि आप थोड़े से ज्यादा नरेंद्र अवस्थी खरीदें और उस पे जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करें। फिजिकल केमिस्ट्री की आईआईटी जेई की नरेंद्र अवस्थी अलग आती है और नीट की अलग आती है, तो मेरे हर बच्चों से सजेशन यही रहता है कि आप जल्द से जल्द उसको खरीदें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम पीओवी से फिर से करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ। नाउ 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी absorbs 4.7 into 10 raised to minus 3 moles of CO2 per hour by photosynthesis if the fixed carbon atom after photosynthesis stored in the form of starch का फॉर्मूला देखो बेटा, यहाँ पे ये होता है C6H10O5 into N। अब ये N कुछ भी हो सकता है, ये N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, इसलिए एक तरीके का पॉलीमर है, तो पॉलीमर भी आप नहीं बोल सकते, इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इसको N से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टार्च कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट टेक टू एलगी टू डबल इट्स ओन वेट। ठीक है मेरे बच्चों, देखो क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन के हमेशा मीनिंग को पकड़िए कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। समझिए, बोल क्या रहा है भैया कि 1 ग्राम आपके पास क्या है, ड्राई एल्गी है, ड्राई ग्रीन एल्गी है। ठीक है, जो टोटल वेट इसका कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखो आप हमें रिएक्शन तो पता ही नहीं है, और आपको मैंने याद है जब बताया था कि जब आपको रिएक्शन का कोई आइडिया ना हो तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, पीओएसी आप यूज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, 1 ग्राम ड्राई एल्गी है, अब ये क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है बाय फोटोसिंथेसिस। किस मेथड से, फोटोसिंथेसिस मेथड से, और इस तरीके से हो जा रहा है कि ये जो DGA में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ड्राइंग एल्गी का टोटल वेट कितना हो रहा है, 2 ग्राम, जो कि बोला डबल हो जा रहा है। और CO2 किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। तो दो बातें यहां से क्लियर हुई कि एक्चुअल में जो 2 ग्राम में 1 ग्राम का एज इट इज मेरा क्या रहेगा, 1 ग्राम रहेगा ड्राई ग्रीन एल्गी रहेगा, और 1 ग्राम जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, किस फॉर्म में, CO2 किस फॉर्म में आकर अटैच हो रहा है, CO2 मेरा स्टार्च के फॉर्म में अटैच हो रहा है। तो ओवरऑल स्टार्च का वेट कितना हुआ, 1 ग्राम हुआ। ओके, पहले बच्चे यहां तक आपको बात समझ में। अब आपको ये तो नहीं पता भाई CO2 स्टार्च में कैसे कन्वर्ट हो, वो तो मुझे रिएक्शन पता ही नहीं है, राइट? तो बस मैं ये तो लिख सकता ना कि CO2 आखिर में था और आपको मिल क्या रहा है, स्टार्च मिल रहा है। ठीक है, स्टार्च मिल रहा है जिसका फॉर्मूला है, आप ऐसे लिख सकते हो C6H10O5 का होल N, C6H10O5 का होल N। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, समझो बात को। अब आप खुद से सोचो कि यहाँ पे POC किस एटम पे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने POC पकड़ने का तरीका क्या बताया था, या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा या तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है ऑलरेडी
कि फिक्स्ड कार्बन एटम आफ्टर फोटोसिंथेसिस, मतलब इनडायरेक्टली वे में कार्बन के बारे में बोला, तो कुछ नहीं मैं क्या करूंगा पीओसी अप्लाई कर दूंगा यहां पे, तो मैं लिख देता हूं अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो ये देखो पीओसी क्या होता है ना, सबसे इजीएस्ट वे मेथड होता है, स्टोइकोमेट्री से ज्यादा इजी होता है इसको कैलकुलेट करना। तो कुछ नहीं यहां पे 1 है इनटू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6। अब 6 नहीं होगा क्योंकि यहां पे 6n है, तो 6n लेना पड़ेगा इनटू मोल्स ऑफ स्टार्च, में डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, क्या ये मेरा बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब समझो बात, क्या मैं 6n को, अब यहां पे उसने स्टार्च का वेट मुझे कितना पता है, स्टार्च का वेट ऑलरेडी दिया उसने कितना 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसका मोलर मास लूं तो 12 से 72 72 प्लस 10 72 प्लस 10 हो जाता है मेरा 82 82 प्लस 82 प्लस 82 प्लस 16 = 80, तो ये हो जाएगा 162। तो 162 n, ये एक का है, एक का मोलर मास है 162, तो ऐसे टोटल आपके पास कितने आएंगे, n n टाइम्स होंगे तो दिस और दिस कैंसिल, तो आपके पास मोल्स ऑफ CO2 आपके पास कितने होंगे 6 by 162। तो मेरे हिसाब से ये जो होगा 3 2 5 4, 2 by 54 मतलब that's nothing but 1 by 17, तो that is nothing but 1 by 17 आपके पास क्या आ गया, moles आ गए। अब आप खुद से सोचो, समझो आपको उसने क्या पूछा भाई कितने टाइम में ये डबल होगा, तो आपको तो ये पता चल गया भैया 2 ग्राम का मतलब कितने CO2 उसने ऑब्जर्व किया होगा 1 by 17 मोल। अब आप सोचो उसने टाइम कितना दिया, 4.7 × 10⁻³ मोल्स, कितने टाइम ले रहे, 1 आवर ले रहे, कितना ले रहे 1 आवर, तो 1 मोल कितना लेगा, 1 मोल मेरा कुछ नहीं 1 / 4.7 × 10⁻³ आवर, इतना लेगा, इतना मेरे, तो मुझे निकालना कितना 1 by 17 कितना लेगा, तो 1 by 17 कुछ नहीं 4.7 × 10⁻³ × 1 by 17 आवर, इतने मेरे आवर होंगे। आई बात समझ में आ रही बच्चों, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली सॉरी रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन with 5 gram of oxygen with 5 gram of oxygen calculate percentage of CO in the product। देखो आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा ये मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है, सर क्या क्वेश्चन दियो, मतलब ठीक है पर इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता कि सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट है, मान लो सपोज करो CO आपका प्रोडक्ट है, तो उसका परसेंटेज कितना होता, ऑब्वियस बात है आप बोलते 100% है, लेकिन यहां परसेंटेज पूछा है प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये तो श्योर 90% बात श्योर है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो दो बातें होती है, जनरली दो रिएक्शन होते हैं, अगर कार्बन कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो आपको क्या देगा वो CO2 देगा, और कार्बन इनकंप्लीट कंबसन होता है तो वो क्या देता, कार्बन मोनोऑक्साइड देता। तो ये कार्बन इनकंप्लीट कंबसन होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता, और ये कार्बन जब रिएक्ट करता तो कितना देता आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंप्लीट कंबसन के केस में। तो देखो ऑब्वियस बात है मेजर प्रोडक्ट तो हमेशा ये होता है, बट कभी कभी माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपसे एक पोल्यूशन का वो लिया जाता है सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने देखो बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, किसी बहुत जब पुरानी गाड़ी में जाते हैं तो देखो जब फ्यूल कंबस्ट होता है तो ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है, तो ब्लैक कलर का धुआं क्या होता है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और धुआं अगर व्हाइट कलर का निकल रहा है इसका मतलब वो कंप्लीट कंबसन हो रहा है, वो कंबसन कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपका पोल्यूशन भी चेक किया जाता है गाड़ी का, इस वजह से वो जरूरी भी होता है, क्योंकि CO काफी हार्मफुल पॉइजनस गैस माने जाते हैं, अगर आप आधे घंटे भी इसको इनहेल कर लिए तो आपके परम पिता परमेश्वर से मुलाकात तो तय है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा CO2 + CO + CO2,
इस तरीके से रिएक्शन हुआ होगा बेटा, ठीक है। मैं ये मान के चलो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मान चलो इसको ऐसे भी नहीं समझो, इसको ऐसे रखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपको तो ये पता नहीं है कि भैया इसमें क्या अप्लाई करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर, आप इसको मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर और एक और तरीका समझो, एक तरीका ये है कि आपको कैसे पता चलेगा सर दो प्रोडक्ट है या एक प्रोडक्ट, आपने कैसे आइडिया लगा, तो समझो एक तरीका, बेस्ट तरीका बताता हूँ। सपोज करो अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता था, ठीक है, उसने क्या बोला, कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये वर्ड ध्यान से समझना, कार्बन आपको कितना दिया 3, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 3/12, दैट्स नथिंग बट 1/4, तो ये 1/4 मोल है, तो ये भी कितने होंगे 1/4, तो 1/4 × 32, दैट्स नथिंग बट 8 ग्राम, कितने होंगे 8 ग्राम। यहां पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता था तो ये 3 था, 3/12 को करूंगा तो दैट्स नथिंग बट 1/4, अगर ये 1/4 होता इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/8, स्टोइकोमेट्रिक जिसका निकालना उसका ऊपर, जिससे निकालना उसका स्टोइकोमेट्रिक नीचे इनटू उसके मोल्स, ओवर बाय इसके मोल्स, और ऐसे समझो अगर ये वाला और इसका आधा है तो इसके आधे मोल्स ही होंगे, तो ये 1/4 होता इसका आधा मोल्स कितना होगा 1/8, तो इसको 32 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका वेट कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 4 ग्राम, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ यही प्रोडक्ट होता तो मुझे ऑक्सीजन का वेट वो कितना देता था 4 ग्राम, और सिर्फ CO2 प्रोडक्ट होता तो मुझे वेट कितना मिलता था 8 ग्राम, लेकिन उसने कितना दिया हुआ 5 ग्राम, इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब 100% श्योर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जब भी कैसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट इन द मिक्सचर वाले केस में कभी भी आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो बेटा, आप POC यूज कर सकते हो। तो POC अप्लाई किस में करोगे, क्योंकि कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली, तो ऑब्वियस अगर कार्बन पे रिएक्ट होगा तो यहां पे देख लो दो इक्वेशन बनेंगी मेरी, लेट इसके मैं मोल्स मान लेता हूं A मान लेता हूं, इसके मोल्स मैं मान लेता हूं B मान लेता हूं, ठीक है। इसके क्या मोल्स माने मैंने A माने, और इसके मैंने क्या माने B माने, ठीक है। तो दोनों पे देखो, कार्बन पे भी लगेगा और ऑक्सीजन पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। तो याद है पीओसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था भैया, आपको पहचानना उसी तरीके से कि जो 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 एटम मेरा कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन में, उस पे आपको पीओसी का अप्लाई करना, मतलब यहाँ पे कार्बन पे भी लगेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पीओएसी ऑन कार्बन, तो कुछ मत करो, दोनों के मोल्स बराबर कर दो, तो इसका एक ही रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे फिलहाल, ठीक है। नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हो, जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसके मोल्स कितने हैं, कार्बन का एक मोल्स, तो 1 × मोल्स ऑफ कार्बन, तो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, चलो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा था आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को आप ये तो उतार लिया होगा आपने, तो मेरे पास जगह नहीं, मैं लिख लेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन टेंस टू गिव CO प्लस CO, ठीक है, 3/2 चलो इस तरीके से मैंने कर दिया। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने आपके पास, 1, तो यहां पे प्लस इसके मैंने A मोल्स माने और इसके मैंने B मोल्स माने, तो 1 × A मोल्स ऑफ CO2, CO मतलब A प्लस मोल्स ऑफ CO2 B, या तो आप चलो मैं डायरेक्ट कर दिया हूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 × मोल्स ऑफ CO प्लस 1 × मोल्स ऑफ CO2, तो ये क्या लिख सकता हूं A प्लस, देखो मोल्स ऑफ कार्बन कितने मेरे पास 1/4, और मोल्स ऑफ CO A प्लस B, ये पहला इक्वेशन बनेगा। सेकंड इक्वेशन आपको कहां से मिलेगा, सेकंड इक्वेशन आपको मिलेगा ऑक्सीजन एटम से, कहां से मिलेगा ऑक्सीजन एटम से। अब देखो यहां पे कितने मेरे पास ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे मेरे पास है 3 ऑक्सीजन के एटम इनटू मोल्स ऑफ O2, कितने मोल्स ऑफ O2 हो गए 3 मोल्स, सॉरी मोल्स ऑफ O2, कितने एटम है मेरे पास 3 ऑक्सीजन के, 2 तो कैंसिल हो गया तो 3, अब ये किसके बराबर होंगे इनके बराबर होंगे, तो 1 × मोल्स ऑफ CO प्लस 2 × मोल्स ऑफ CO2, तो इस तरीके से कर सकता हूं मैं। और अब एक्चुअली मैम इसके कितने थे 5 डिवाइडेड बाय 32, तो ये मेरे मोल्स हो गए, तो 3 × 5 / 32 is equal to nothing but a plus 2b। तो अब प्यारे बच्चों इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करिए आंसर निकालिए, आपको इतना ही करना था। तो यहां तक आपको प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई, आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। बाकी देखो
दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और बी के वैल्यू निकाली, काम खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, देखो अब तक मैंने क्या किया था, अब तक मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू दी थी, भैया 100 ग्राम NaOH फलान, मान लो 40 ग्राम CaCO, 100 ग्राम CaCO3। तो मैंने 100 ग्राम देने का मतलब ये था कि वो जो मेरे पास जो सब्सटेंस था वो 100% प्योर वही सब्सटेंस था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सैंपल वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, सैंपल, सैंपल वर्ड आ जाए तो दो बातें होंगी। जैसे मैंने बोला भैया आपके पास 40 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH है, इसका मतलब दो बातें, या तो उसमें इंप्योरिटी होगी या तो नहीं होगी। अगर नहीं दिया हुआ इंप्योरिटी, इसका मतलब मान लो कहीं ऐसा वर्ड नहीं है कि भाई 40 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH रिएक्ट विद HCl टेफ्लॉन, देन दैट्स फाइन। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से दिया है कि 40 ग्राम सैंपल कंटेनिंग 80% प्योरिटी, मतलब क्या है 80% प्योरिटी, मतलब 40 का 80% कितना होता है, 40 का 80% 32 ग्राम, मतलब 40 में से सिर्फ 32 ग्राम ही आपका काम का है, बाकी वो 8 ग्राम क्या है, इंप्योरिटी। और एक बात प्यारे बच्चों याद रखना, कभी भी इंप्योरिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी प्योरिटी 100% है। अगर प्योरिटी 100% है मतलब सैंपल, अगर सैंपल के वर्ड के साथ कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो सैंपल आपका 100% प्योर है। लेकिन अगर उस सैंपल के साथ आपको कुछ 80% प्योरिटी, 75% प्योरिटी, 80% प्योरिटी, 90% प्योरिटी इस तरीके से दिया है, इसका मतलब उतना ही पार्ट का वेट आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी इंप्योरिटी नहीं होती है। मतलब बाकी इंप्योरिटी क्या हो जाती है, इनर्ट फॉर्म में रहती है। इनर्ट फॉर्म का ये मतलब नहीं था इनर्ट गैस, इनर्ट फॉर्म का मतलब ये हो कि ऐसा सब्सटेंस जो मेरे लिए इनर्ट है, मतलब बेमतलब का है। जैसे कहने का मतलब है कि वो कोई रिएक्शन पर जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ऐसा इंप्योरिटी प्रेजेंट रहता है, तो वो मेरे लिए इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट। तो इनर्ट सब्सटेंस जैसे डस्ट, जैसे आप देखेंगे कैल्शियम, जब आप चौक वगैरह आप देखते होंगे तो चौक वगैरह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। जब हम बोर्ड पे यूज करते हैं तो कभी कभी आवाज भी आती है, वो आवाज किस वजह से आती है, डस्ट वजह, डस्ट की वजह से आती है। जो डस्ट पार्टिकल CaCO3 के अंदर रहते हैं वो आवाज करते हैं, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी आवाज नहीं करेगा बोर्ड के ऊपर। तो वो क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता और हम उनका ऐसे इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं कुछ पॉइंट इसके लिख देता हूँ। ठीक है, एनी गिवन सैंपल मे नॉट बी प्योर, एनी गिवन सैंपल मे नॉट बी 100% प्योर, 100% प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन इट विच is act as an inert, that is it does not participate in reaction, it does not participate in the reaction, hence it should be removed from the sample, it should be removed from the क्या sample, it should be removed from the sample। तो ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक प्यारी बात समझ में आई, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है अगर आपको, चलो ऐसे याद रखना, परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेट रिएक्टेड अपॉन वेट गिवन इनटू 100।
ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूँगी मान लो 100 ग्राम सैंपल है, उसका 80% प्योरिटी है, तो मतलब आप कितना कितना वेट मानोगे जो रिएक्ट करेगा, 80 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो ये तो आप जानते हो, बट फिर ठीक है एक थ्योरेटिकल के फॉर्म में, ताकि आपके नोट्स अच्छे लगे, इसलिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो दो बातें एग्जाम्पल याद रखना, क्या एग्जाम्पल में कि 100 ग्राम NaOH इज गिवन, एक लाइन ऐसे दिया हुआ मैंने, दूसरा लाइन है 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH हैविंग 50% प्योरिटी, मतलब उस 100 ग्राम में आपके पास 50 ग्राम ही क्या है NaOH है, बाकी 50 ग्राम क्या है आपके पास इम्प्योरिटी है, क्या है इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे बात समझ में आई, तो दो वर्ड हमेशा याद रखना कि आखिर उसने दिया क्या है और आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर, ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 200 ग्राम सैंपल ऑफ 200 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, 200 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ NaOH हैविंग 73% प्योरिटी, हैविंग 73% प्योरिटी इज गिवन कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH, कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH, कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल, ठीक है। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, 200 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, 200 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH हैविंग 73% प्योरिटी इज गिवन। देखो तो वेट जो रिएक्ट करेगा वो कितना होगा, 73% ऑफ 200 ग्राम ऑफ NaOH, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप मेरे फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 73 बाय 100 परसेंटेज को 100 नंबर नंबर में कन्वर्ट किया इनटू टू, मतलब 1 200 में 146 ग्राम ही क्या करेगा मेरा, रिएक्ट करेगा। अब मेरा रिएक्शन कैसा होगा, NaOH प्लस सॉरी वेट ऑफ सॉरी दिस इज नॉट NaOH, दिस इज HCl, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, हाँ HCl टेंड्स टू गिव NaCl प्लस H2। देखो बाय मिस्टेक में से लिखा गया 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl दिया हुआ है, जिसका आपको 73%, तो वेट ऑफ रिएक्टेड किसका, HCl का ये वेट है, तो 146 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करूंगा इसके मैं मोलर मास से, तो 36.5, तो दैट्स नथिंग बट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितने मोल्स होंगे, 4 मोल्स होंगे, तो वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NaOH का 4 × 40, तो दैट्स नथिंग बट 160 ग्राम NaOH आपको इस रिएक्शन से मिलेगा। तो यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है, ठीक है, नेक्स्ट है 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। देखो अभी यहां मैंने उल्टा दिया है, यहां मैंने आपको वेट देके आपको क्या पूछा है, परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, ठीक है। तो देखो दो बातें बेटा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले क्वेश्चन आप हमेशा खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स हर क्वेश्चन में आप दीजिए, खुद से सोचने की कोशिश करिए, थोड़े 10 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आप पहले खुद से हमेशा बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे CLC3 के वेट से, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सैंपल दिया हुआ, आपको एग्जैक्टली वेट नहीं पता कि कितना रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिक रिएक्शन पहले हम लिखेंगे CaCO3 टेंड्स टू गिव CaO+CO2। तो ठीक है, आपको उसने वेट किसका दिया हुआ, 17.6 ग्राम इसका CO2 का वेट दिया हुआ, और इसको अगर मैं 44 से डिवाइड करता हूं तो ये 0.4 मोल्स आएंगे। अगर ये 0.4 मोल्स है क्योंकि रेशियो तो मेरा 1:1:1 का है, तो ये भी कितना होगा, 0.4 मोल्स। तो वेट ऑफ CaCO3 कितना होगा, 0.4 × 100, 100 मतलब मोलर मास, तो मोल्स इनटू मोलर मास आपको क्या देता है, वेट, तो दैट्स नथिंग बट 40 ग्राम। तो एक्चुअल में वेट रिएक्टेड कितना था, 40 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगी 40 / 50। टोटल वेट आपके पास 50 था, वेट रिएक्ट कितना किया, 40 ग्राम × 100, तो दैट्स नथिंग बट 2, तो दैट्स नथिंग बट 80% आपके पास क्या है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है CaCO3 का, ठीक है। नाउ अगर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े इसके आगे, तो आप यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारे क्या करेंगे, 50 यहाँ पे रखेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, वो गलत हो जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि वो सैंपल दिया हुआ है, उसने ये नहीं बोला कि उस 50 ग्राम में कितना पार्ट वेट का रिएक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ये आपका मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, सपोज करो आपने 1 लीटर दूध लिया, ठीक है। 1 लीटर दूध को आपने गैस पर चढ़ाया, ऑन एन एवरेज ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हर दूध 15 मिनट में लेट्स से बॉयल हो जाता है, ठीक है, 15 मिनट में आफ्टर बॉयल, क्योंकि हम बॉयल क्यों करते हैं, बेटा बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं। लेट्स से 15 मिनट बाद क्या आपने 1 लीटर दूध लिया था, तो बाद में तो 1 लीटर मिलेगा, राइट, 1 लीटर ही मिलेगा 15 मिनट बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसके मतलब उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे आपने उसको क्या कर दिया, बॉइल कर दिया। अब सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको दिया बॉइल करने के लिए, अब आप क्या करने लगे, सपोज करो एंग्री बर्ड्स खेलने लग गए, दूध बॉइल हो रहा है मेरा, थोड़ा गैस सिम किया हुआ, अब ये मत सोचने कि दूध गिरेगा, कंडीशन मैंने ऐसा दी कि दूध बॉइल होते रहेगा, दूध उफान मारेगा लेकिन दूध गिरेगा नहीं बर्तन से, चीजें समझ गए। आप यहाँ एंग्री बर्ड्स खेले जा रहे हो, खेले जा रहे, मान लो सपोज करो आपको 45 मिनट्स हो गए, आधा घंटा ज्यादा, तो वो 1 लीटर के बजाय 500 ml हो गया, कितना हो गया 500 ml, तो आपके पास आपको कितना यील्ड मतलब प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज मिला, 50%, राइट, कितना मिला 50, आपने लिया था 1 लीटर, मिला आपको 500 ml, तो वही क्या होता है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। और इसी प्रैक्टिकल बेसिस पे आपकी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि क्या होता है जब आपको कोई कंपनी हायर करेगी, ठीक है, आप एक केमिकल इंजीनियर हो, तो आपका काम क्या रहेगा, आपको कम रिएक्टेंट से आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। होता क्या है कि जैसे चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली अच्छे बेस्ट एग्जांपल में, जैसे समझो N2 गैस लिया और आपने 3H2 गैस लिया, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ NH3 गैस मिलेगा, कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, समझो थ्योरेटिकली आपने 5 मोल्स ऑफ N2 लिए, कितने लिए 5 मोल्स, तो बनना कितना चाहिए 10 मोल्स बनना चाहिए था, बन कितना रहा 10 मोल्स बनना चाहिए था, क्योंकि 1:2 का रेशियो, अगर ये 5 होगा तो इसको दुगना, 10 मोल्स फॉर्म होना चाहिए था, ये किसके अकॉर्डिंग आपने बनाया, ये थ्योरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली प्रोड्यूस है, ये आपने माना, लेकिन बना सपोज करो 8 मोल्स, कितना बना 8 मोल्स, ये एक्चुअल प्रोड्यूस्ड है, ये क्या है एक्चुअल प्रोड्यूस्ड है, और ये क्या है थ्योरेटिकल प्रोड्यूस, थ्योरेटिकल प्रोड्यूस को मैं टीपी के फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रोड्यूस को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, एपी के फॉर्म में लिखूंगा। देखो बीइंग अ केमिकल इंजीनियर आपका क्या काम होगा कि देखो 10 में 10 तो बनाना इंपॉसिबल होता है, क्योंकि 100% रिएक्शन 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होता, आप बोल सकते हो इट इज इंपॉसिबल, राइट, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें हम थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉसिबल होता है, बट आप जब कोई कंपनी केमिकल इंजीनियर को हायर करेगी, भाई ये बोलेगी 8 की जगह एटलीस्ट आप 8.5 करिए या 9 करिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से आपकी कि प्रोडक्ट की परसेंटेज जो होगी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ये केमिकल इंजीनियर का यही काम होता है। अब वो कैसे कर सकता है,
टेम्परेचर चेंज कर सकता है, कंसंट्रेशन चेंज कर सकता है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाऊंगा कि मैं आपके इस एक्चुअल प्रोड्यूस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, आखिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेरे बढ़ाने के। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 8 मोल्स आपको समझ में आया कि 8 मोल्स से मैं ज्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये सब डिटेल में नोट करिए, मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाऊंगा कि आखिर कैसे बढ़ा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं जस्ट एक लिटिल बिट आइडिया दे रहा हूँ कि 10 से 8 हो गए हैं आपको, आप ये एक्चुअल प्रोड्यूस्ड है और ये थ्योरेटिकल प्रोड्यूस्ड है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है बेटा देखो ध्यान से, ठीक है, परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू वेट या मोल्स, आप वेट भी ले सकते हो मोल्स भी ले सकते हो, दैट चॉइस इज योर, एक्चुअल प्रोड्यूस मतलब एपी बाय वेट या मोल्स थ्योरेटिकल प्रोड्यूस इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज यील्ड का क्या होता है मेरा फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी क्या देता है, ये दे देगा आपसे एक्चुअल प्रोड्यूस पूछेगा, एक्चुअल प्रोड्यूस दे देगा, थ्योरेटिकल प्रोड्यूस दे देगा, तो आपको परसेंटेज यील्ड निकालना पड़ेगा। दो बातें होती है, ठीक है, एक्चुअल प्रोड्यूस जो वेट एपी जो होता है एक्चुअल प्रोड्यूस, ये हमेशा क्वेश्चन में या तो गिवन रहेगा या तो आपसे पूछा जाएगा, और वेट जो थ्योरेटिकल प्रोड्यूस रहता है वो हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिएक्शन से, रिएक्शन से आपको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा लाइक स्टोइकोमेट्री के हेल्प से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ FeNO3, मैं रिएक्शन बैलेंसिंग दे रहा हूं, ट्वाइस ऑफ FeNO3 थ्राइस प्लस Na2CO3 थ्राइस 2 3 प्लस FeCO3 थ्राइस प्लस 6 Na(NO3) Fe2CO3 रिएक्शन है फेरिक नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बना फेरिक कार्बोनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, क्या बना रहा है सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया आपको पहले से। ठीक है, बोल रहा है इनिशियली 2.5 मोल्स ऑफ Taken for this block. If 6.3 moles of NaNO3, if 6.3 moles of NaNO3 is obtained, then calculate percentage yield of reaction, then calculate percentage yield of reaction। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ताकि हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं अपना। ठीक है, मास ऑफ N2F4 प्रोड्यूस, मास ऑफ N2F4 प्रोड्यूस, मास ऑफ N2F4 प्रोड्यूस by the reaction of 2 gram of NS3, 2 gram of NS3, 2 gram of NS3
एंड 8 ग्राम ऑफ F2 एंड 8 ग्राम ऑफ F2 एंड 8 ग्राम ऑफ F2 इज 3.56 ग्राम इज 3.56 ग्राम व्हाट इज परसेंटेज यील्ड व्हाट इज परसेंटेज यील्ड तो यहाँ से पहले बच्चे आपको समझ में आए होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ ठीक है मैंने क्वेश्चन लिखा अब आपके पहला काम ये होगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें तो पहले आपको टाइम लगने दीजिए कोई बात नहीं टाइम हमारे पास सफिशिएंट है कोई कमी नहीं है हमारे पास टाइम की अभी आप हमेशा आदत डालिए खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को ठीक है चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो लेट्स डू इट नाउ क्वेश्चन पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ट्वाइस ऑफ FeNO3 थ्राइस प्लस 3 Na2CO3 टेंड्स टू गिव Fe2CO3 थ्राइस प्लस 6NaNO3 6NaNO3 समझ बात को ठीक है ये रिएक्शन दिया हुआ बोल रहा इनिशियली 2.5 मोल्स दिया हुआ इसके 3.6 मोल अब याद करो फटाक से ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है केस 3 याद है जब दो रिएक्टर दिए हुए दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इनमें से पहले कंज्यूम कौन होगा तो 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे हिसाब से 1.25 आएगा और ये कितना आएगा 1.2 देखो ये अपने मन में कैलकुलेशन करना लिखना नहीं है आपको बस ये चेक करने के लिए तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट तो याद होगा आपको प्रोडक्ट हमेशा कौन डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है ठीक है इंफॉर्मेशन उसने किसके बारे में दिया है इंफॉर्मेशन NaNO3 के बारे में दिया है तो मुझे Fe2CO3 से कोई भी मतलब नहीं है तो डायरेक्ट मैं कहां आऊंगा यहां पे आऊंगा तो इसका मोल्स कैसे निकालेंगे तो वही टेक्निक 6 जिसका निकालना है किसका निकालना है NaNO3 का निकालना तो इसका स्टोइकोमेट्री में ऊपर रखा अब लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास कौन सा है तो लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्री डिवाइड करोगे इनटू लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट्स नथिंग बट 1.2 तो दैट्स नथिंग बट 7.2 मोल्स आपके प्रोड्यूस होंगे NaNO3 के ठीक है तो मोल्स थ्योरेटिकली प्रोड्यूस आपको कितने मिले 7.2 मोल्स एक्चुअल प्रोड्यूस आपके पास कितने थे 6.3 तो परसेंटेज कितना होगा परसेंटेज यील्ड का जो होगा वो 6.3 डिवाइडेड बाय 7.2 इनटू 100 तो मेरे हिसाब से ये एप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 87.5% कितना आ रहा है 87.5% तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है NS हां अब चलो इसका एक रिएक्शन नहीं लिखा मैंने रिएक्शन लिख देता हूं मैं माय मिस्टेक मैं भूल गया था NS3 प्लस 5 F2 टेंड्स टू गिव N2 F4 प्लस 6 HF ठीक है ये रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्शन में फिर से यहां लिख दे रहा हूं twice of NS3 plus 5F2 tends to give N2F4 plus 6HF N2F4 plus 6HF ठीक है अब देखो आगे इसने मोस नहीं दिया यहाँ पे मैंने वेट दे दिया तो यहाँ पे 2 ग्राम दिया हुआ ये ठीक है 2 ग्राम दिया इसको डिवाइड करूंगा 17 से तो ये मेरे मोस आ जाएंगे और ये कितना दिया हुआ 8 ग्राम 8 ग्राम को मैं किससे 19 होता 19 टू 38 अब समझो अब इन दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा तो इसको डिवाइड करो 2 बाय इसी के स्टोइकोमेट्री से 17 इनटू 2 और 8 बाय 38 इनटू 5 ये मैं क्या चेक करूं मैं लिमिटिंग एजेंट याद है जिसके जिस लिमिटिंग एजेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे जिसका मोल्स होगा उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया इसके मोल्स 2 बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 बाय 34 और 8 by 38 into 5 मतलब इसी के स्ट्रक्चर में डिवाइड किया तो एप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आएगी 0. ये वैल्यू आती है 0.06 और ये वैल्यू आती है 0.04 ठीक है तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये वैल्यू ऑब्वियस बात है तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट तो आपको मतलब किस से एंटर एफोर्स है तो डायरेक्ट मैं यही आता हूं तो क्या करना है आपको इसका अगर इसका मोल्स कितना है 8/38 मोल्स है ठीक है ये लिमिटिंग रिएजेंट भी है तो कुछ नहीं करना है इसका निकालना है जिसका निकालना उसका स्टोइकोमेट्री ऊपर मतलब 1 स्टोइकोमेट्री होगा निकालना किस लिमिटिंग रिएजेंट के लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्री 5 नीचे है इनटू 8/38 तो एप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी मतलब 0.04
4, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आए, उसने वेट 3.56 ग्राम दिया हुआ था, ठीक है, मास ऑफ एंटोफोर प्रोड्यूस, ठीक है, तो वेट थ्योरेटिकली प्रोड्यूस कितना आ रहा है, तो 0.04 मोल्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 28, N2 का 28 हो जाएगा और F4 मतलब 38 into 4 नहीं 76 कितना आ जाएगा 104, तो ये मेरे हिसाब से आ जाता है, ठीक है, 4.16 ग्राम ये मेरा आ जाएगा, ये थ्योरेटिकल प्रोड्यूस है और एक्चुअली प्रोड्यूस उसने कितना दिया हुआ 3.56, तो परसेंटेज यील्ड कितना होगा मेरे पास, परसेंटेज यील्ड होगा मेरे पास 3.56 को डिवाइड करूंगा 4.16 इनटू 100, तो दैट्स नथिंग बट ये मेरे पास वैल्यू आती है 86% एप्रोक्सीमेटली आएगा, कितना आएगा 86%, ठीक है, तो यहां तक आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गए होंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि 12.8 ग्राम ऑफ SO2, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.8 ग्राम ऑफ SO2, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 रिएक्ट्स विद 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म SO3 to form SO3 if 6 gram of SO3 if 6 gram of SO3 if 6 gram of SO3 are produced then calculate percentage yield of reaction, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं बेटा, SO2 plus O2 ये देता है आपको SO3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से, अब ये रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अब क्या बोल रहा है 12.8 इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने 64 से, ठीक है, 32 और 64 हाँ, तो ये कितना चला जाएगा 0.2 मोल्स हो गया, इसके वेट कितना दिया हुआ 3.2 3.2 को डिवाइड कर दूंगा 32 से, तो ये भी 0.1 ये 0.2 मोल से 0.1 मोल से, कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, दोनों लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 0.1 डिवाइडेड बाय 1 दैट्स समथिंग बट 0.1, तो दोनों मेरे यहां पे क्या हो जाएंगे लिमिटिंग एजेंट हो जाएंगे, तो SO3 कितना फॉर्मेशन होगा, SO3 एज इट इज मेरा 0.2 फॉर्म होगा, 2 * 0.1 0.2 देन व्हाट इज द वेट ऑफ SO3, वेट ऑफ SO3 विल बी 0.2 * ये कितना हो जाएगा 48 तो दैट्स समथिंग बट 16 ग्राम, तो ये वेट SO3 कितना थ्योरेटिकली प्रोड्यूस, क्योंकि आप रिएक्शन से कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज यील्ड का, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, तो दैट्स समथिंग बट टोटल वेट 16 मतलब थ्योरेटिकल प्रोड्यूस 16 और मिल कितना रहा आपको 6 × 100, तो दैट्स समथिंग बट 600/16, तो ये मेरे हिसाब से आ जाता है 37.5%, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और इसमें हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए अच्छे, ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज कंपोजिशन सैंपल मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास एक बैग है, एक बैग में आपके पास 5 किलो आलू है 10 किलो प्याज है, कितने आलू है 5 kg पोटेटोस है 10 kg ऑनियंस है,
अगर मैं पूछूं भैया आपके पास पोटेटो के परसेंटेज कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? भैया टोटल वेट पोटेटो का 5, टोटल वेट ऑफ द बैग कितना होगा? 15, 10 प्लस 1 15, तो 5 बाय 15 इनटू 100, तो दैट इज द परसेंटेज ऑफ पोटेटो। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई मतलब ऐसे समझो कोई एक मिक्सर, कोई कंटेनर है जिसमें एक मिक्सचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको? मिक्सचर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। कॉमन बात क्या होगी, उनके सेम नेचर होंगे। क्या होंगे? नेचर उनका क्या होगा? सेम होगा। भाई बात समझ में, नेचर क्या होगा? सेम होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको उनका एक कॉमन रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? कॉमन रिएक्शन। और जो हमने ए और बी वाला प्रॉब्लम किया था ना, सी और सीओ टू का, वो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मिक्सचर को, मिक्सचर वाला। तो आप पीओएसी से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, स्टोइकोमेट्री से भी कर सकते हो। सेम नेचर वाले का दो रिएक्शन पहले आप क्या करते थे, अभी तक देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिएक्शन दिया था, एक रिएक्शन से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते। अब कुछ नहीं होगा, एक और रिएक्शन लिखना, उसको डायरेक्ट उसके साथ आपको करना होगा। तो आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन देखो, समझो इस तरीके से है, 10 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ, 10 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4, 10 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4 रिक्वायर्स 16 मोल्स ऑफ NaOH, 16 मोल्स ऑफ NaOH, 16 मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, for complete neutralization, calculate percentage of HCl in the mixture, ठीक है। आपके पास समझो क्या है, अब यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऊपर मैं समझा दे रहा हूँ, आप मैं ये मान रहा हूँ कि आपने लिख लिया हुआ है। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, अब आपके पास कंटेनर में क्या है, HCl और H2SO4 दोनों किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, H2SO4 दोनों किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। अब क्या हो रहा है, दोनों का एक कॉमन रिएक्शन है NaOH के साथ, आपको दोनों के रिएक्शन क्या करने हैं, NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करवाना है। तो वही पूछा परसेंटेज ऑफ HCl कितना होगा, इसको टोटल मोल्स उसने कितने दिया हुआ, 10 मोल्स दिया हुआ, कितने दिया हुआ, 10 मोल्स। तो इसका करने का तरीका कुछ नहीं है, ये समझ में आया, मिक्सचर एसिड है, एक मिक्सचर है जिसमें दोनों एसिड दिए हुए, दोनों को रिएक्ट करवा रहा है NaOH के साथ, बाद में पूछे HCl का परसेंटेज कुछ क्या होगा। सिंपल बेस्ट उपाय, दोनों का अलग अलग रिएक्शन लिखो, आप क्या करो, दोनों का अलग अलग रिएक्शन। जैसे सपोज करो HCl है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा NaCl plus H2O, क्या बनाएगा, NaCl plus H2O। वही अगर मैं बोलूं H2SO4 अगेन NaOH, क्योंकि आपको अलग अलग रिएक्शन लिखना, भले मिक्सचर में एक है बट रिएक्शन आपको अलग अलग लिखनी है NaOH, तो ये क्या हो जाएगा H2, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे Na2SO4 plus H2O। अब आपको परसेंटेज किसका पूछा, परसेंटेज HCl का, तो इसको क्या मानूंगा, लेट x मोल्स है इस टोटल मिक्सचर में, x मोल्स मैंने क्या दिया हुआ, HCl दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ, 10 माइनस x दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 माइनस x, समझ में आया। अब समझो अगर ये x है और ये 10 माइनस x है, ये x और ये 10 माइनस x है, तो स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, अब आप बोलोगे सर इस पे यूज करना है, इस पे, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दिया हुआ, इंफॉर्मेशन उसने NaOH के बारे में दिया हुआ, तो NaOH के लिए ही यहां पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। x मोल्स इसके, तो NaOH के कितने मोल्स हो जाएंगे, NaOH के भी x मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 10 माइनस x मोल्स है, तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 into 10 minus x, मतलब 20 minus 2x, तो मतलब आपके पास टोटल मोल्स कितने रिक्वायर्ड है, मतलब इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे इतना मोल्स NaOH चाहिए टोटल, समझो बात को बेटा। तो टोटल मोल्स ऑफ NaOH आपके पास कितना हो गया, टोटल मोल्स ऑफ NaOH हो गया x plus 20 minus 2x, तो that's nothing but 20 minus x, और actual में आपको दिया हुआ कितना, ये 16 दिया हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, इसका मतलब दिया हुआ परसेंटेज ऑफ HCl आपको कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ HCl 4 डिवाइडेड बाय टोटल 10 मोल्स इनटू 100, तो दैट्स नथिंग बट 40% HCl मिक्सचर में है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने NaOH का इसने दिया हुआ था, मैंने रिएक्शन से पहले ये निकाल लिया कि कितने एक्चुअली में चाहिए, भाई इतने चाहिए, और उसको मैंने 16 के बराबर कर दिया, तो यहां समझ आ जाएगा, ठीक है।
पहले बच्चों एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये आपको क्या करना, होमवर्क करना है इस रिएक्शन को, ठीक है? तो इसका मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, या तो प्लीज आप इसको सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेज सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर बच्चा व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारा जो बना हुआ उसमें क्या करेंगे आप सेंड करेंगे, ठीक है? तो एन आइडियल गैसेस मिक्सचर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एन आइडियल गैसियस मिक्सचर, एन आइडियल गैसियस मिक्सचर इथेन, क्या है इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका C2H6, क्या होता है C2H6, एंड इथेन, एंड इथेन C2H4 एंड इथेन ऑक्यूपाइज 28 लीटर, ऑक्यूपाइज 28 लीटर एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। इतने पे इस STP कंडीशन में बेसिकली उसमें उसका वॉल्यूम 28 लीटर उसने दिया हुआ है। दिस मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली, दिस मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली, रिएक्ट्स कंप्लीटली, रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 128 ग्राम, विथ 128 ग्राम ऑफ O2, 128 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस CO2, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ C2H6 इन द मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों ये आपका अभी होमवर्क है, ठीक है? इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा नहीं, ये अभी आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजने होंगे इसका, इसका जो सॉल्यूशन होगा अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैं इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ सॉल्यूशन दूंगा। एटलीस्ट आपको गलत या सही जैसा भी है, हर बच्चे की ड्यूटी ये रहेगी इसके जो भी जैसा भी आता है आपको इस सेम इसी तरीके से NOH की जगह O2 हो जाएगा C2। अब इसका रिएक्शन चलो मैं लिख ही देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन बैलेंस आपको देखना C2H6+O2, ये आपको क्या देगा, ये भी CO2+H2 देगा, ये मैंने आपको कॉमन रिएक्शन बताई भी है, C2H4+O2 भी, ये भी आपको क्या देगा CO2+H2। बस आप रिएक्शन को बैलेंस करिए, स्टोइकोमेट्री यूज करिए और आपको क्या करना है, हाँ एक हिंट दे रहा हूँ, 28 लीटर है तो पहले आप इसको क्या करिए, इसको मोल्स में कन्वर्ट करिए 22.4 से डिवाइड करके, या तो आप मोल्स और वॉल्यूम एक भी मान सकते हैं, एसटीपी कंडीशन में n इक्वल टू v भी हम मानते हैं, तो एक को x मान दो तो दूसरा 28 माइनस x हो जाएगा, तो वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में भी आप निकाल सकते हो, दैट चॉइस इज योर्स, ठीक है? तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है?